कितने अंक के ऊपर लगा हुआ है बात? तीन। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं x बराबर 0.01 बार। चूंकि ये तीन अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम इसमें गुणा करेंगे 1000 1000 का। क्यों? क्योंकि हमको तीन अंक के बार है तो हम तीन जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो हो गया ये 1000। अब 1000x का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों 0001 कहाँ आ गए? आगे। और दशमलव क्या जाएगा ये कि जिसे है 0.001 0001 0001 ऐसे चलता रहेगा। तो अब हमारा ये 001 इधर आ गया। अब ये वाला बचा रह गया, ये इतना पूरा आ गया और ये बचा रह गया 001। इस तरीके से चलता रहेगा। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ 1000x बराबर ये दशमलव के पहले ये जो हमारी संख्या है इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 0001 बार। ठीक है। अब ये हमारा था समीकरण एक और ये हो गया समीकरण दो। समीकरण तीन दो में दो माइनस समीकरण क्या हो जाएगा ये 1000x माइनस 1000 क्या जाएगा ये सिर्फ 0.001 बार। ये बार से तो बार कैंसिल हो गया, एक में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा? एक ही बचेगा। 1000 में से एक जाएगा 99।